आप लोगों के 40 से 60 के बीच में मार्क्स है तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को एक तो उगली है ही, और दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कि जनरल की कितनी जाने वाली है, कट ऑफ ओबीसी कितनी जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाने वाली है, एससी कितनी जाने वाली है, एसटी की कितनी जाने वाली है। एक आप लोग अगर पोस्ट गलती से भी ग्रुप डी की पोस्ट नहीं ली आप लोगों ने, ये मान लो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। रनिंग स्टार्ट किया तो 10 क्वेश्चन तो आप लोगों के वैसे गए, लेकिन जो वैकेंसी है आप लोगों का 2745 है, 9500 × 734 वैकेंसी है टोटल, और आप लोगों का जनरल की है, आपकी जनरल की है 4200। तो आप लोगों के सिकंदराबाद एससीआर की बात देख रहे हैं हम लोग, आप लोगों के यहाँ पर 54 आ रहे हैं तो सेफ हो आप लोग यहाँ पर। आइए मेरे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं, और इस वीडियो को आप लोग तभी देखें तब आप लोगों के यहाँ पे 40 से लेके 60 के बीच में मार्क्स हैं, तभी आप लोग इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी ना देखें। सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है, अगर आप लोगों के 40 से 60 के बीच में मार्क्स है तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को अभी की अभी छोड़ के जा सकते हो। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि 40 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को आप लोग छोड़ दो अभी की अभी। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी 40 से नीचे है इस वीडियो को ना देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही आज के ये वीडियो में मैं यहाँ पे ये बात करने वाला हूँ आप लोगों का कि जो आप लोगों के टॉप 5 जोन है यहाँ पे, एक तो हुबली है ही, और दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा, ये कौन से जोन है जिनमें आप लोगों का कट ऑफ कम जाएगा और सबसे कम जाएगा, और खुशियां मना सकते हो आप लोग अभी के अभी। और यदि आप लोग इन पांचों जोन में से हो और रनिंग स्टार्ट नहीं करी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, रनिंग स्टार्ट कर दो। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा और मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ में, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दूंगा कि आप थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मैं पांच जोन बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पांचों जोन बताऊंगा। इन पांचों जोन की यहाँ पे मैं आप लोगों को सही तरीके से एकदम ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा कि जनरल की कितनी जाने वाली है, कट ऑफ ओबीसी कितनी जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाने वाली है, एससी कितनी जाने वाली है, एसटी की कितनी जाने वाली है, एकदम सही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही आप लोग ये समझो यार, जो बंदा आप सब लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को इस तरह से लिख के ले रहा है, तो आप लोग कुछ सोच सकते हो वो भी बंदा आपकी तरह ही मेहनत कर रहा है, मैं भी आपकी तरह ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी का पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे ताकि मैं आप सब लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो सवाल आ रहा है, इन टॉप 5 जो 5 जोन है उनमें से सबसे पहले आप लोगों का हुबली है, तो पहले हुबली को देख लेते हैं। तो हुबली को देखने से पहले आप लोग यहाँ पे देखो जो टोटल पोस्ट है ना, अब की बार ये है, अब की बार आप लोग अगर पोस्ट गलती से भी ग्रुप डी की पोस्ट नहीं ली आप लोगों ने, ये मान लो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे फिजिकल में, तो आप लोगों को पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, क्योंकि जो अब की बार जो पोस्ट है ना, ये मान के चलो आप लोग 1,03,769 ये वैकेंसी है ना, ऐसा मौका नहीं आने वाला दोबारा, ये मान के चलो आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे ये 5 जोन वाले जो मैं अभी बता रहा हूँ अब तक तो रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आप लोगों ने रनिंग स्टार्ट कर दी तो बहुत खुशी की बात है। अभी मैं 5 जोन भी बताने वाला हूँ इन 5 जोन का, और साथ ही मैं कट ऑफ बता दूंगा। और आप लोग बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे अब क्या हुआ है, इस साल जो क्या हुआ, इस साल के अंतर्गत आप लोगों का पेपर कठिन आ गया, पेपर जब इतना टफ आ गया, खुद आप लोगों ने एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, पेपर के क्या लेवल आए, वाह ऐसा पेपर नहीं देखा होगा, पसीने छूट गए। तो आप लोग खुद सोचो, एक तो पेपर का लेवल टफ, ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप लोगों ने पेपर का लेवल अच्छा लेवल पर आया और 30 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 10 क्वेश्चन तो आप लोगों के वैसे गए, आप लोग कुछ सोच पा रहे होगे ना पे, यानी कि कुल मिला के मैं बात बोलूं यहाँ पे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने की आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये मान के चलो, क्योंकि जो मैं जोन के नाम बताने वाला हूं उस जोन से यदि आप हो तो समझ जाओ आप लोग यहाँ पे खुशियां मना सकते हो, क्योंकि आपके जोन का तो कट ऑफ जाना निश्चित है, कट ऑफ तो बिल्कुल ही कम जाएगा आप लोग आपके जोन के। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे जो अक्सर देखा जाता है, जब पेपर कठिन आया ना आप लोगों के यहाँ पे, तो मैथ रीजनिंग साइंस और जीके सीए सबसे कम जो मार्क्स बच्चा गेन किया है ना, पेपर जितना कठिन आने के बाद में आप लोगों का साइंस में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, और आप लोगों का रीजनिंग में भी थोड़े गड़बड़ा है, रीजनिंग में टाइम टेकिंग क्वेश्चन दे दिए, सीटिंग अरेंजमेंट दे दिए, जिसकी वजह से, और जीके सीए में तो आप लोग पता ही हो एक क्वेश्चन का सिर पेर तो खा है, कौन सा क्वेश्चन खा आ रहा है कुछ अता पता नहीं। तो यहाँ तक कि मैं कुल मिला के बात करूँ, यहाँ पे आप लोगों का 40 से लेके
मैक्सिमम बच्चों का 50 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो कट ऑफ भी अभी आप लोगों को पता लग जाएगी। सही तरीके की कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। एक बार सबसे पहले आप लोग यहाँ देखो, मैं अभी 5 जोन भी आप लोगों को अभी की अभी बता दूंगा। अगर आप लोग उन 5 जोन से हो तो आप ये मान लो बहुत ही बड़ी खुशी आने वाली है आपके घर में। तो अभी ज़्यादा देखा जाए तो क्या है चीज़ें, मैंने मेजोरिटी लोगों को देखा है, कई सारे कमेंट भी आते हैं, कई सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, उन फोन कॉल्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से कई सारी चीज़ें को रियलाइज करने के बाद में मैंने महसूस किया 40 से लेके 45 के बीच में इतने सारे कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, मतलब 40 से लेके 45 के बीच में, 45 से लेके 50 के बीच में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो आप लोग सोच सकते हो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट की जो रेंज है वो 40 से लेके आप लोगों का 50 के बीच में रेंज है। तो आप लोग कुछ सोच सकते हो, यदि आप लोग इस रेंज में आ रहे हो तो आप लोग खुशी की बात है। और दूसरा है आप लोगों के यहाँ पे 50 से लेके 55 की जो रेंज है ना उसमें कम स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे 55 से 60 में है उसमें तो बहुत ही कम है, और 60 से 70 के बीच में तो न के बराबर है, आप लोग नए के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है ना वो 40 से लेके 60 के बीच में है। तभी तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में पहले ही बोल दिया था कि 40 से 60 के बीच में है, तभी आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करें। और जिनके 40 से कम है अब भी वो इस वीडियो को छोड़ दो, आपके काम की नहीं है। जिनके 40 से 60 के बीच में वही उन्हीं के लिए ये वीडियो काम की है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे पहला जोन है आप लोगों का हुबली, तो हुबली का देख लेते हैं। पहला जोन है जो आप लोगों का हुबली, तो हुबली में यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो हुबली में टोटल कितनी वैकेंसी है, सबसे पहले मैं 5 जोन में से मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, पहले जोन को हुबली बताया है मैंने, तो पोस्ट कितनी है हुबली में, 7,167 वैकेंसी है और 21,501 को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग हुबली से हो जाओ आप लोग यहाँ पे रनिंग के लिए तैयार हो जाओ। अभी बता दूंगा कितने नंबर पर आप लोग रनिंग के लिए तैयार हो जाओगे, अभी बताने वाला हूँ, जस्ट अभी बताने वाला हूँ आप लोगों के यहाँ पे। तो हुबली की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। यहाँ पे जनरल की जो वैकेंसी है आप लोगों का 2745 है, एससी की जो वैकेंसी है 1138 है, एसटी की जो वैकेंसी है 557 है, ओबीसी की जो वैकेंसी है 2006 है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 715, और टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हो 7,167। और जो एक्स सर्विसमैन और सीसी वाले की जॉब है आप लोगों को मिल जाएगी, यदि इनको पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलते हैं रेलवे वालों को तो आपको यही नॉर्मल कैटेगरी को दे दी जाएगी। ये आपके खुशी की और एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात हुई। तो हुबली जोन से हो अभी बता दूंगा कितने नंबर पर आप लोग यहाँ पे जनरल में कितने नंबर पर करना पड़ेगा, ओबीसी में कितना करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अभी हुबली से नंबर भी बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों यहाँ पे दूसरा जोन है आप लोगों का चेन्नई। अगर आप लोग चेन्नई से हो, ये मान लो ये जो 5 जोन बता रहा हूँ ना ये आप लोगों के इजी जोन है जिसमें कट ऑफ कम जाएगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के दूसरा जोन है आप लोगों का चेन्नई, तो चेन्नई में भी काफ़ी ज़्यादा सीट है, ऐसा नहीं है सीट कम है। पोस्ट कितनी है 9,587 पोस्ट है यहाँ पे, तो 28,737 बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल में। अगर हम लोग चेन्नई में देखें तो आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो इस चेन्नई में। तो चेन्नई आप लोगों का ये रहा, मैंने यहाँ पे पहले ही डाउनलोड कर रखा है ताकि मैं आप लोगों को सुविधाजनक बता सकूँ आप सब लोगों को सारी चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हो बोर्ड का नाम सदर्न रेलवे चेन्नई, और चेन्नई से लगाया है तो काफ़ी खुशी की बात है। चेन्नई में टोटल वैकेंसी की संख्या आप लोग देख सकते हो, ये रही टोटल वैकेंसी कितनी है चेन्नई में, 9,589 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज देखोगे तो जनरल की जो कितनी वैकेंसी है 4,363 वैकेंसी, कम नहीं होती। एससी की है उसमें भी काफ़ी सही है 1,353 है। एसटी में आप लोगों को 787 जो कि सबसे कम वैकेंसी इसमें कैटेगरी में, ओबीसी में आप लोगों के 2118 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 958। टोटल देखें तो 9,500 आप लोगों का 79 वैकेंसी है। और एक सर्विसमैन सीए वाले को आप लोगों को पर्याप्त कैंडिडेट यदि रेलवे को नहीं मिलेंगे तो आपको नॉर्मल कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी को रेलवे ये सीट दे देता है। इस बात को आप लोग भली भांति जानते भी होंगे। तो ये हो गया आप लोगों यहाँ पे, अभी मैं आप लोगों को चेन्नई की भी कट ऑफ बता दूंगा आप एक साथ आप लोगों को यहाँ पे जनरल ओबीसी कितनी रहने वाली है। अब बात करें आप लोगों का मुंबई की, तो मुंबई अब मैं यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल देता हूँ इसको, मुंबई की बात करते हैं यानी मुंबई यानी बम्बई की बात करते हैं आप लोगों के। तो मुंबई के अंतर्गत यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे अभी मैं बताना चाहूँगा तो कितनी वैकेंसी है अपने वेस्टर्न रेलवे में, कितनी वैकेंसी है। अगर आप लोग WR से हो, वेस्टर्न रेलवे से हो, तो आप लोग ये मानो कितनी वैकेंसी बता रहा है आप लोगों का, ये बता रहा है 10,734 वैकेंसी है।
कम नहीं होती। अगर वेस्टर्न रेलवे से हो 10,734 वैकेंसी, ये मान लो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, और 32,210 कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकल में बुलाना है रेलवे को, तो काफ़ी अच्छी खुशी की बात है। आप लोग यहाँ पे मुंबई से हो तो आप लोग ये मान ले चलो, अभी पता लग जाएगा आप लोग मुंबई से हो तो आप लोग यहाँ पे रनिंग की तैयारी कितने कितने मार्क्स पर कर देनी चाहिए अभी मैं बता दूंगा आप लोग, जस्ट अभी बताने वाला हूँ, चिंता ना करो आप लोग। तो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत देखा जाए तो वेस्टर्न रेलवे में आप लोगों के 10,734 वैकेंसी है टोटल, और आप लोगों का जनरल की है, आपकी जनरल की है 4,287 है, आपकी एससी की है 1,647 और आपकी एसटी की है 812 और आपकी ओबीसी की है 2,914 और आपकी ईडब्ल्यूएस की है 1,074। तो यानी काफ़ी सही वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा तो जनरल की निकल के आ रही है और सबसे कम एसटी की निकल के आ रही है, और एक्स सर्विसमैन और सीसी वाले अप्रेंटिस वाले यदि एक पर्याप्त स्टूडेंट नहीं मिलेंगे तो आपको दे दी जाएगी ये पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी को दे दी जाएगी। तो ये हुई आप लोगों के यहाँ पे मुंबई की बात हो गई। अब बात करें आप लोगों का कोलकाता, कोलकाता भी दो प्रकार के हैं आप लोगों के, जैसे आप लोगों के मुंबई भी दो प्रकार के थे, एक तो वेस्टर्न रेलवे है और आप लोगों के एक सेंट्रल रेलवे है, उसको छोड़ दिया थोड़ा सा उसका कट ऑफ ऊपर जाएगा, मैं कम कट ऑफ वाले जोन की बात कर रहा हूँ। तो WR से हो तो लग जाओ, अभी बता दूंगा कितने मार्क्स के ऊपर लग जाना है आप लोगों को। कोलकाता की बात करें तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात कर रहा हूँ मैं, SER की बात कर रहा हूँ, तो यदि SER की बात करूँ तो टोटल कितनी पोस्ट है आप लोगों के यहाँ पे, टोटल है आप लोगों के 4,914 वैकेंसी हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिजिकल में कितने बच्चों को बुलाएंगे, 14,742 को बुलाए जाएंगे। अगर आप लोग SER से हो, कोलकाता से हो तो काफ़ी सही चीज़ है। आप लोग यहाँ पे SER के अंदर देख लेते हैं कैटेगरी जो है कितनी है, तो आप लोग ये आप लोगों का साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आ गया। तो टोटल वैकेंसी मैंने बताया जैसे कि 4,914 है जनरल की यहाँ पे आप लोगों को 1,933 है, एससी की आप लोगों को यहाँ पे 738 है, एसटी की 361 है, ओबीसी की 1,305 है, ईडब्ल्यूएस की 482 है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी सही वैकेंसी है, और एक्स सर्विस और ये तो है ही आप लोगों के यहाँ पे, तो ये काफ़ी सही वैकेंसी है आप लोगों के यहाँ पे भी। तो ये हो गया आप लोगों का SER। अभी मैं आप लोगों को नंबर भी बताने वाला हूँ कितने नंबर पे आप लोग यहाँ पे रनिंग की तैयारी करना है स्टार्ट कर दो। सिकंदराबाद की बात कर लें तो सिकंदराबाद में देखा जाए तो आप लोगों के सिकंदराबाद SER की बात देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, साउथ सेंट्रल रेलवे की देख रहे हैं, तो टोटल वैकेंसी कितनी है 9,328 वैकेंसी है। तो कितने को 9,328 पे फिजिकल में कितने को बुलाएगा, 27,984 स्टूडेंट कम नहीं होते ये फिजिकल में बुलाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें तो कैटेगरी वैकेंसी देखें कि आपकी जनरल की कितनी है, तो ये रहा आप लोगों के यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ऑफिशियल कैलेंडर है यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें तो टोटल वैकेंसी कितनी बता रहे हैं, 9,328 वैकेंसी है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। जनरल की यहाँ पे जो सीट है 3663 है, एससी की यहाँ पे जो सीट है 1,432 है, एसटी की सीट है 722, ओबीसी की है 2,577 और ईडब्ल्यूएस की है 934। काफ़ी सही वैकेंसी है, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो आपकी कैटेगरी और टोटल वैकेंसी, और ये एक सर्विसमैन और ये सीसी वालों की यहाँ पे जॉब है, तो काफ़ी सही वैकेंसी है आपकी कैटेगरी की। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का कितना कट ऑफ रहने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पाँचों जोन बताने की कोशिश करी, तो इन पाँचों जोन में यदि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो मैंने जो पाँचों जोन बताए, ये मैंने पांचों जोन कैसे बताए, साउथ रीजन में है, जो भी यहाँ पे साउथ रीजन में है उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आप लोगों का हुबली है, हुबली कैसा है साउथ मतलब सदर्न रीजन, साउथ रीजन में आता है। चेन्नई आप लोगों का साउथ रीजन में आता है। मुंबई भी कौन सा, वेस्टर्न रेलवे वाला आप लोगों का। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे आप लोग देख पा रहे होंगे। सिकंदरा साउथ सेंट्रल रेलवे। तो यानी कुल मिला के एक बात बोलूँ, ये मैंने जो बताया आप लोगों को यहाँ, ये वाले जोन बताएं, ये वाले RRC बताएं, ये साउथ वाले RRC है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मान लो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अब कट ऑफ की बात कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट एंड फाइनल यही वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। जनरल OBC EWS SC ST और कट ऑफ की बात करें यहाँ पे तो एवरेज जो कट ऑफ जाने वाली है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। एक तो जनरल की बता देता हूँ, OBC की, और ये आप लोगों EWS और SC ST इसको ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करना। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और जो मैंने जोन बताया है, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो आप लोगों के 57 भी आ रहे हैं, किसी भी जोन से आप लोग यहाँ पे 57 आ रहे हैं आप लोगों के, तो आप लोग डेफिनेटली सेव हो। आप OBC की बात करें यहाँ पे और OBC में आप लोगों के यहाँ पर 54 आ रहे हैं, तो सेफ हो, आप लोग यहाँ पे रनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। EWS में बात करें, EWS में आप लोगों के यहाँ पर 50 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग रनिंग की तैयारी करो। SC से हो यहाँ पे तो SC में यदि आप लोगों के 48 आ रहे हैं तो आराम से यहाँ पे आप लोग रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ST से हो आप लोग यहाँ पर, ST कैटेगरी से हो तो ये मान लो आप लोग यहाँ पर
46 के नंबर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे तैयारी रनिंग करना स्टार्ट कर दो। तो जनरल से आप लोगों को मैंने बताया 57, ओबीसी से बताया 54, ईडब्ल्यू से बताया 50, एससी से बताया 48, एसटी से बताया 46। यदि ये वाले मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों यहाँ पे तो आप लोग रनिंग की स्टार्ट कर सकते हो। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों के -1 आ रहे हैं जैसे जनरल में आप लोगों के, यदि 56 भी आ रहे हैं तब भी आप लोग करो, ओबीसी में यदि आप लोगों के 53 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं तब भी आप लोग रनिंग करो, और ईडब्ल्यूएस में यदि आप लोगों के 50 आ रहे हैं, 49 आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में तब भी आप लोग रनिंग करो, एससी में हो आप लोग यहाँ पे 48 नहीं आ रहे आप लोगों के, अगर आप लोगों के एक नंबर भी कम आ रहा है तो आप लोग जब भी करो रनिंग, और एसटी में हो आप लोग यदि आप लोगों के 45 भी आ रहे हैं तब भी आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों का जरूर से जरूर सिलेक्शन होगा। तो ये सारा वीडियो था जिसके बारे में मैंने बात करी यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करी किस किस जोन में यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, कितनी कितनी वैकेंसी है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल बता दिया आप लोगों को। आप लोग यदि इन पांचों जोन से हो, किन किन पांचों जोन से, एक तो आप लोगों का हुबली, चेन्नई, मुंबई, वेस्टर्न रेलवे आप लोगों का मतलब, और कोलकाता, सिकंदरा, ये पांचों जोन से हो तो ये लिख के ले लो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बस जो मैंने कट ऑफ बताइए वो बात कर लो। अगर इन पांचों जोन से हो और आपके नंबर यहाँ पे 40 से लेके 50 के बीच में भी है तो आप लोग फिर भी यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट कर दो, आप लोग यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी, टॉप 5 जोन बता दिए जिनका कट ऑफ कम जाएगा, ये नाम बता दिया। अगर आप लोग इन जोन से हो तो आप लोग यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करना शुरू करो। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।